हेलो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। एडवांस में आप सभी को थैंक यू। और मैं बना रही हूँ सब्जी, कच्चे केले की सब्जी। इसमें केला बॉयल हो रहा है, मसाला मैंने पीस लिया है। और मैंने बहुत दिनों से कोई ब्लॉग क्यों नहीं बनाया था वो मैं कभी और आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों नहीं बहुत दिनों से कोई ब्लॉग बनाया था। इसमें है प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और बॉयल्ड केला। और इसमें 2-3 चम्मच बेसन डाल देंगे, वरना बाइंडिंग नहीं होगी अच्छे से जब इसे हम तेल में छानेंगे। तो इसमें 2-3 चम्मच बेसन डाल देंगे, नमक, हल्दी और एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा बेसन ना डालें, ज़्यादा बेसन डालेंगे तो ये आपको केले की सब्जी कम और बेसन की ज़्यादा लगेगी। यहाँ हमने दोनों तरफ तेल चढ़ा दिया है, ये छानने के लिए, ये मसाले के लिए। मसाले में है प्याज, लहसुन आदि, टमाटर और सारे सूखे मसाले। यहाँ हमने पिसा हुआ मसाला डाल दिया, इसमें जितना भी सूखा मसाला है, धनिया, जीरा, सूखी मिर्च पाउडर, वो सभी इसमें डाल देंगे। देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसे ढक के थोड़ी देर हम पका लेंगे। इधर तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये जो मिक्सर हमने तैयार करके रखा है, इसे हम इसमें छान लेंगे एक एक करके। थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें, पानी लगा लगा के और हाथ पे इस तरह का तैयार करें और उसके बाद तेल में डालें। पानी लगाने से हाथ में ये आपके चिपकेगी नहीं। और बीच बीच में मसाला देखते रहें, वरना मसाला जल जाएगा। सबको ब्राउन होने तक छान लें, अच्छे से ब्राउन होने दें। ग्रेवी में डालेंगे दही, तो दही को यहाँ मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, देखिए, ताकि उसमें एक भी गांठ ना रहे। ये अच्छे से ब्राउन हो गई है, इसे मैंने निकाल लिया है। हम इंडक्शन में दही मिला, क्योंकि आप में अगर मिलाएंगे तो दही फट जाएगा। अच्छे से बंद, उसमें मिला के मसाले को मिला लीजिए, बाद ऑन की इंडक्शन को या गैस को। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसे एक अच्छा सा बॉयल आने के लिए इसे छोड़ेंगे, उसके बाद इसमें ग्रेवी डालेंगे और जितना भी हमने ये तैयार करके रखा है सब उसमें डाल देंगे। इसमें पानी मैंने डाल दिया है और एक दो बॉयल इसे आने देंगे। उसके बाद केले के पकौड़ी जो हमने तैयार करके रखा है उसे इसमें डाल देंगे। उसे डालने के बाद हम उसे बॉयल नहीं करेंगे, क्योंकि आप बॉयल उसे अगर इसमें डाल के बॉयल करेंगे तो वो ज़्यादा इसका जो ग्रेवी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके बाद आप जब उसे खाने के लिए निकालेंगे तो वो टूट के ग्रेवी में ही रह जाएगी। इसीलिए इसमें आप एक दो बॉयल आने दें, उसके बाद उसे डाल के ढक के रख दें। ग्रेवी हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, इसमें जितने भी पकौड़ी है वो सभी डाल देंगे। अच्छे से फैला देंगे, ग्रेवी में अच्छे से डुबा देंगे और इंडक्शन बंद कर देंगे। और इसे ढक देंगे। इस वक्त बज रहे हैं 9:15 और इस वक्त मैं बना रही हूँ वीडियो, इसलिए क्योंकि अभी जस्ट मेरे पूरे हुए हैं 1000 सब्सक्राइबर और
मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मैंने एक सब्सक्राइबर से शुरू किया था, वो भी मैं तब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, वो भी मेरे कोई जान पहचान का नहीं। मैंने किसी को अपना चैनल, मतलब एक ऐड होता है ना करना कि अपने दोस्तों में भी ऐड करना, वो भी मैंने नहीं किया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गई हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, और प्लीज़ मुझे आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।